का प्रोग्राम जो भी होगा वो आपको बताया जाएगा। सर क्या कहना चाहेंगे, आज एक पहली बार ईद मिलन की पार्टी हो रही है बेकर एसोसिएशन की, बड़ी खुशी की बात है, क्या कहना चाहेंगे नासिर भाई के बारे में अगर बात करें? सबसे पहले तो ये हमारी जो तालुका वसई बेकरी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हम अपने प्रेसिडेंट जनाब नासिर अंसारी साहब को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दिली मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह या ईश्वर से दुआ करते हैं कि वो हमेशा खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, अल्लाह उनको हर बरकत से नवाजे, ये हमारी उनके लिए शुभेच्छा है पूरी टीम की तरफ से। और ये पहली बार हुआ है जो हमारा ये बेकरी का समाज है, जब से हम जानते हैं एसोसिएशन तो काफ़ी दिनों से है, मगर ये पहली बार ये नासिर भाई की ही कृपा से है जो हमारे सदर हैं, जो उन्होंने ईद मिलन का प्रोग्राम रखा है। और बहुत अच्छी बात है कि इससे एक बेकरी वालों में उत्साह बढ़ेगा और हम लोग एकता की तरफ बढ़ेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? कहिए भाई। जब से नासिर भाई हमारे प्रेसिडेंट ने जो हमारे लोग का वसई वेलफेयर एसोसिएशन का साथ दिया है, जब से वसई तालुके में बहुत खुशी का माहौल हो गया है और हम लोग बहुत खुश हैं ऐसा हमको प्रेसिडेंट मिले, इसके लिए हम लोग उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं पूरी टीम की तरफ से, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। जब से हमारे नासिर भाई अध्यक्ष प्रेसिडेंट हैं हमारे नाला सुपारा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से बहुत खुशी का इजहार है और जब से हम बहुत मजबूत बने हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में तरक्की अदा करें। हमारे नासिर भाई जब से प्रेसिडेंट बने हुए हैं एक बेकरी वालों में, नाला सुपारा बसई बिरार के बेकरी वालों में बहुत खुशी की लहर है और बहुत अच्छा लग रहा है कि कभी इतने बेकरी वाले एकजुट नहीं हुए। हम लोग नासिर भाई ने रास्ता दिखाया है तो हम लोग सब एक साथ में आए हुए हैं, नाला सुबारा बस एक बार उनके स्वागत के लिए ईद मिलाद रखा गया है, हम उनके आभारी। बीच में मीटिंग हुआ था, बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुए, उसके बारे में कितनी खुशी आपको, कुछ रेट को लेकर हुआ था कुछ? हाँ, हम बेकरी वाले बहुत काफ़ी परेशान थे आज रिबंधन, मतलब हर एक चीज़ के लिए अपन एक दूसरे के साथ साथ में खड़े हुए हैं, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती और जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम आप अपने साथ में करेंगे उसमें सबका फ़ायदा है, एक का फ़ायदा नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है जितनी अंडरस्टैंडिंग, जितनी अप्रोच और जितनी अच्छी चीज़ अपन में एक दूसरे के साथ करेंगे इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। थैंक यू। भाई अभी बोल दिया ना इन्होंने, हाँ यही बात बोलना है वापिस दामजी भाई। हाँ, मैं पहले धन्यवाद देगा तारिक भाई को और नासिर भाई को, आज तक ये इकट्ठे हम हुए ने 40 साल धंधा कर मेरे को हो गया है, आज तक हम इकट्ठे नहीं हो पाए, सबसे बड़ा तो इकट्ठे तो पहचान दो सही दूसरे को, तारिक को हम धन्यवाद देगा, तारिक और नासिर भाई को हम धन्यवाद देगा, कम से कम इकट्ठे तो कर लिए कम से कम आदमी लोग। सॉरी ये बात मैं बोलना भूल गया था, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि कम से कम इन लोगों ने हमारे को साथ में इकट्ठा करके यूनाइट किया, खड़ा किया और हमारे को इनवाइट किया और हमारे को जो हौसला अफजाई करी, हम उनके लिए इनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं और आगे भी इनके साथ हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। बीच में कुछ प्रॉब्लम चली थी, सॉर्ट आउट हो गई है, कितनी खुशी आप लोगों के अंदर? रेट को लेकर कुछ इशू चल रहा बीच में, 4-5 दिन पहले कुछ मीटिंग, बेकरी हो के रेट और वेट के लिए। माशाल्लाह जो हमारे नए प्रेसिडेंट बने हैं नासिर अंसारी साहब बॉम्बे बेकर्स एसोसिएशन के, उन्हें जिस हिसाब से इस चीज़ों को पॉजिटिवली हैंडल किया है, मतलब बेकरी वालों का भी फ़ायदा होगा और उसमें ट्रेडर्स का भी फ़ायदा होगा। और एक सबसे पहले तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया ताकि सारे बेकरी वाले एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए और एक दूसरे से वो बातचीत कर पाए, जो पहले मिसकम्युनिकेशन उन लोगों के बीच में हो रहा था, तो उन्होंने सबसे पहले ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। मैं मुमरा रॉयल बेकरी से बबलू भाई, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा दिन है काफी भाई, हमारा इतना खुशी का दिन है कि आज जो है हमारे प्रेसिडेंट का जन्मदिन भी है और हमारे बेकरी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, जो हम लोग इतने दिन से बहुत काफ़ी परेशान थे रेट को लेकर के, वेट को लेकर के, हर चीज़ की जो है हमारी जो भी समस्या थी हमारे प्रेसिडेंट ने सुन करके
जो भी तकलीफ थी हमारी दूर हुई। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जितने लोग हैं मुमरा के, और मुमरा क्या पूरे बॉम्बे के सब भाई। हेलो नजर भाई से हमारा आ जाओ सर। एक एक फोटो 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 चलिए सर। ले लो एक मिनट सर, फोटो मार दे दो। एक फोटो आ जाओ, फोटो ले लो। पीछे आओ सुशील भाई, सुशील पीछे से ले लीजिए। भाई टॉर्च 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 बंद हो गया। अरे दिखेगा नहीं ना, लेकिन भाई लाइट ऑन कर, टॉर्च चालू करे भाई। सब अपने अपने मोबाइल के टॉर्च चालू कीजिए। अरे भाई आएगा ही नहीं तो रोशनी में तो बना लेना। एक बार पीछे लाइट इधर, एक बार लाइट चालू करिए ना भाई। कैमरा लाइट चालू कर, कैमरा लाइट तो चालू करो यार। कम से चलो सही है, ठीक बहुत अच्छा रहा है। अच्छा हेलो हेलो देखो तो जो लोग इस युग का गांव नहीं जा सके उनको अपने बचपन की यादों में। चलिए बहुत अच्छा लगा मेरे साथ। जिसकी भी जरा जा सकता है वरना कोई स्क्रैच मार देगा उसको। एक बार हाथ लगा के रख। 3165 यहाँ पे सामने, यहाँ पे देखिए। वेट 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 हो गया बेटा। इस हालत में देखकर तो ना कि सब यौम पैदाइश का तोहफा है बल्कि ईद का भी तोहफा है। ताज आप जोरदार तालियां बजा के बता सकते हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार करें तमाम लोग। मतलब इस कदर बेदिली क्यों है आप इतने? यहाँ पे देखिए सामने, अपने आप से नाराज है शायद। लगता मुझे अपनी आवाज निकालनी पड़ेगी। करके छोड़ दो, खोल दो इधर सामने सब लोग। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। चलिए अभी एक ऐसे एरिया का ग्रुप है जिन्होंने एसोसिएशन की काफी मदद की है, उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि जब एरिया में बेकरी खुली थी किसी की नहीं एसोसिएशन के रूल के बाद, तो उस बेकरी को बंद कराया गया था। तो बंद कराने के लिए तो अभी किसी ने बेकरी अगर चालू की है तो बंद कराना इतना आसान नहीं होता है। उसने बेचारे ने अपना अच्छा खासा अमाउंट लगाया था, घर की जमीन बेच के, और उस बेकरी को चालू की जो एसोसिएशन के खिलाफ थी। तो एसोसिएशन चाहती थी कि भाई वो बेकरी बंद हो जाए, मगर बंद के अलावा उसका कोई नुकसान ना हो ये भी एसोसिएशन चाहती थी कि उसने खोल लिया वो तो उसकी गलती हो गई, मगर उसे अभी बंद करा के उसे इसी तरह ऐसे ही भगा दे तो उसका बेचारे का नुकसान हो जाएगा। तो उस नुकसान को पूरा करने के लिए कुछ हमारे बेकरी वाले भाई थे जिन्होंने एसोसिएशन के ऊपर भरोसा करके अपना माल लगाकर अच्छा खासा अमाउंट, कम से कम 4 से 5 लाख रुपया, ये कोई छोटी रकम नहीं है,
उस एरिया के सभी बेकरी वालों ने मिलकर जमा किए और उस बेकरी को बंद कराते वक्त उस बेकरी वाले को वो पैसा लौटा दिया गया। सामने स्टेट और अपने नाला सुपारा वीरार वसई तालुका के बेकरी वाले आज जो नासिर भाई के जन्मदिन के मौके पर जो उनको भेंट दिए, टोटल अमाउंट हो रहा है उनका 101,000 रुपए। जोरदार ताली के साथ, ये इनकी मोहब्बत है। ये बता रहे हैं कि भाई जो है एसोसिएशन ने इनको काम दिया था, ये काम सही तरीके से किए और आज इनकी बेकरी में फायदा होने लगा। आपकी बेकरी में 1,000 आड़े क्यों ना हो, माल कम रहेगा मगर मुनाफा 110% रहेगा, ये एसोसिएशन ने किया है। तो आप सबका फायदा इसी में, माल कम है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इससे पहले मैं जिस बेकरी और ग्रुप की बात कर रहा था, उस ग्रुप का मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। कांदीवली ईस्ट, मलाड ईस्ट, गोरेगांव ईस्ट, जिन्होंने बेकरी बंद कराने के लिए 5,00,000 रुपए उस बेकरी वाले को दे के उसकी बेकरी बंद करवाई थी, तो जोरदार तालियों के साथ कांदीवली ईस्ट, मलाड ईस्ट और गोरेगांव ईस्ट वालों का स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। तालियों की गूंज बहुत कम लग रही है, शायद आप लोग खुश नहीं है। भाई किसी भी एरिया में अगर बेकरी खुलेगी तो उसको बंद कराने के लिए आप ही लोगों का साथ होना जरूरी है, वरना वो अब हर बेकरी से 200-300 आड़े ले लेगी और अपने बेकरी के में मुनाफा चालू करेगी। तो किसी को इस तरीके का अगर प्रोग्राम होता है किसी के एरिया में तो उसको इस तरीके से हल किया जाएगा। तो सर पूरा ग्रुप इधर सामने देखो, एक पूरा ग्रुप यहाँ पे सामने स्टेट जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन कितना बड़ा दिन है सबके साथ में, पहली बार इतनी बड़ी पार्टी रखी गई है। तालिब तुम ये थैला लेके रखो, काम इतने क्या कहना चाहोगे आज इस गेट टुगेदर? ये हम लोग ने, पहले तो मैं आप मीडिया वालों को सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे हैं, और सारे मुंबई के जितने भी बेकर्स हैं, बेकरी वाले हैं, उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जब भी हम बुलाते हैं, हमारी टीम बुलाती है, एसोसिएशन बुलाती है, तो ये भरी तादाद में हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो इतना मैं जितना शुक्रिया करूँ उतना कम है, मैं इनका एहसान मंद हूँ क्योंकि ये लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। आज भी आप लोगों ने देखा कि एक आवाज़ पर ये लोग मेरे साथ खड़े होते हैं। तो ये मौका जो है, ये ईद मिलन का एक मौका है। हम लोगों ने सोचा था कि हम एक जोड़ रखें, मेल रखें, तो हम लोगों ने एक शहरी प्रोग्राम के बारे में सोचा था। हाँ, तो हम लोगों ने सोचा था कि एक शहरी प्रोग्राम या इफ्तारी प्रोग्राम के लिए हम लोगों ने सोचा था, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि लोग परेशान रहते हैं, थोड़े तक सब भी वो रहते हैं, बिजी रहते हैं नमाज में, रोजे में, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि ईद का प्रोग्राम रखा जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेस आप देख ही रहे हैं। लोगों ने बहुत तारीफ की, कहा है कि बेकरी बिल्कुल बंद होने के कगार पे आ गई थी, पीछे ऐसा मुद्दा हो गया था कि किसको मना करे किसको हाँ करे, तो बहुत बड़े संकट से आपने उभारा है, क्या कहना चाहोगे? देखो ये हमने नहीं उभारा, ये अल्लाह ताला की मदद आ रही है। हम जब भी काम करते हैं अल्लाह ताला की मदद आती है और मदद आते ही जा रही है। हम लोग जो भी कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है, नहीं तो कोई किसी को 10 आदमियों को भी नहीं जोड़ सकता आज के दौर में। लेकिन फिर भी आज ये लोग हमारे साथ हैं, हम लोगों का तो सत्कार बहुत हो चुका। आज हमने चाहा था कि हम अपने बेकरी वालों का सत्कार करें, तो ये वही उसी को लेके हम लोगों ने ईद मिलन रखा था। तो आप क्या कहना चाहोगे, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भाई आओ ना, और तब क्या कहना चाहोगे, इतने बड़े अरेंजमेंट जी बॉम्बे बेकर एसोसिएशन के हमारा प्रेसिडेंट नासिर अंसारी, हमारा लीडर, जिस तरह से आज बेकरी वालों में और ट्रेडिंग वालों में जागरूकता पैदा किया है कि लोग बहुत ही कम समझदार थे, कम पढ़े लिखे थे, तो आज इन्होंने अपने बच्चों के लिए भी, अपने मुस्तकबिल के लिए भी, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने कारोबार को बेहतर से बेहतर करने के लिए ठान रखी है। और नासिर अंसारी जिस तरह से बीड़ा उठा लिया है, हमारा प्रेसिडेंट, हमारा लीडर जिस तरह से बीड़ा उठा लिया है, अब कोई भी बेकरी वाला किसी भी तरह से परेशान नहीं होगा, वो खुशहाली रहेगा। अब इनका यह कहना है जब तक ये मेरी ज़िंदगी रहेगी, जब तक एक एक बच्चे उनके खुशहाल नहीं हो जाएंगे, हम दम नहीं लेंगे, चाहे वो ट्रेडिंग वाला हो चाहे वो बेकरी वाला है। खुदा हाफिज़। भाई देख ही सकते हो आप, अगर यहाँ पे आए हो, मीडिया आई है, तो फिर वो कुछ मौके पे आई है, और मौका आपको आते ही पता चल गया होगा कि किस मौके पे आई है। आज जो बेकरी ख़त्म होने वाली थी वो सिर्फ हमारे सदर साहब की वजह से आज
है और इसी के लिए हम दुआ करते हैं कि हमेशा हमारे साथ रहे। थैंक यू सर। चलो ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोग इस चीज को बढ़ा रहे हैं, बेकरी वाला हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे ट्रेडर्स भाई हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। बस 5 से 10 मिनट और फिर खाने का प्रोग्राम चालू होने वाला है। आप सब लोग का, सब लोग का जो इंतजार है खत्म होने वाला है। अरे कुछ नहीं भाई, हाँ हो गया। चलो तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे बेकर्स और जो हमारे ट्रेडर्स का जो साथ हुआ है वो ऐसे बना रहे और हम लोग इस चीज को आगे बढ़ा के लेके चले। किसकी गाड़ी है जरा देख लो ना, XUV 500 3969 3169।